स्टूडेंट्स, कल हमारे स्कूल में इंटर स्कूल रोबोट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि इस मुकाबले में हमारे स्कूल से कोई स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। सर, मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता हूँ। वेरी गुड वीर, आई एम प्राउड ऑफ यू। सर, यू आर प्राउड ऑफ मी ऑल्सो ना? क्यों, तुमने ऐसा क्या कर दिया? सर, मेरा मतलब है यू विल बी प्राउड ऑफ मी ऑल्सो। मैं भी रोबोट बना के लाऊंगा। पापा पापा, प्लीज प्लीज, एक रोबोट की ही तो बात है, किसी से कहकर बनवा दीजिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। अपने बेटे के लिए इतना भी नहीं कर सकते? तू मेरा पीछा छोड़ दे, रोबोट बनाना कोई आसान काम नहीं है। मेरे स्कूल में बड़ी बेइज्जती होगी। इसे रोबोट चाहिए और हमें वीर, शायद बॉस कोई हेल्प कर सके। मोना, देखा तुमने, हमारा टिम्बकटू अब बड़ा हो गया है। उसका प्लान बहुत अच्छा है। मैं इसे रोबोट बना के दूंगा जो इंटर स्कूल चैंपियनशिप में हिस्सा तो लेगा ही, उसके साथ साथ वीर को भी पकड़ के ले आएगा। वीर, ये लो, कुछ प्लेट्स और कटोरियां हैं जो अब हम इस्तेमाल नहीं करते। थैंक यू दादाजी, ये हमारे स्कूल की इज्जत का सवाल है, मुझे ये कंपटीशन जीतना ही होगा। वीर, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? मैं जादू से बना देता हूँ, अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमा दम। देखो, गाजर से बना एक शुद्ध देसी रोबोट। इसके फीचर्स बाद में बताता हूँ, पहले इसके काम देख लो। ये तो बहुत छोटा है, कुछ और बड़ा बनाओ तो मजा आएगा। ये लो, बड़ा बन गया, अब आएगा मजा। मेरा रोबोट खा लिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। वीर, बचाओ, देखो चिंटू ने मेरा ही रोबोट बना दिया। वीर, मम्मे, पापा ने मेरे लिए रोबोट नहीं बनाया। ओए, तेरे पापा कोई साइंटिस्ट नहीं है जो रोबोट बना के देंगे। तू कुछ और मांग पुत्र, रोबोट छोड़ के कुछ भी मांग ले। रोबोट ले लो, रोबोट, टूटे फूटे सामान से बना हुआ रोबोट। पापा पापा, कोई रोबोट बेच रहा है। रोबोट ले लो, रोबोट, टूटे फूटे सामान से बना हुआ रोबोट, घर के वेस्ट मटेरियल से बना हुआ रोबोट। अंकल अंकल, मुझे एक रोबोट चाहिए। ले लो बेटा, ले लो। आप इस तरह कैसे रोबोट बेच रहे हैं, जैसे आलू प्याज बेच रहे हो। मूर्ख इंसान, हम 21वीं सदी में हैं। तुम कौन से युग की बात कर रहे हो? तुम्हारे बच्चे में रोबोट का शौक देखकर मुझे खुशी हुई। ये लो बेटा, मेरी तरफ से ये तुम्हें फ्री गिफ्ट। यस, फ्री गिफ्ट। मैं तुम जैसे होनहार बच्चों को एनकरेज करता हूँ ताकि बड़े होके तुम साइंटिस्ट बनो। आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ इसे ऑपरेट कैसे करना है। मेरा डोंकी सेंस कहता है यहाँ कुछ खतरा है, वो दाढ़ी वाला आदमी सही नहीं है। चलो एक दुलाटी मार के देखता हूँ। ये तो टिम्बकटू जैसा लग रहा है, एक दो लात और मार के देखता हूँ। बचाओ, हेल्प, ये गधा मेरे पीछे क्यों पड़ा है? ये था सेंट मैरी के स्टूडेंट का रोबोट, और आर्य शिक्षा मंदिर स्कूल के स्टूडेंट का रोबोट आएगा। यमी, अच्छी चाय बनाई है। फ्रेंड्स, अब बारी है इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट रॉकी के रोबोट की। मैं
मैं चैलेंज करता हूँ, अगर किसी का रोबोट मेरे रोबोट को बाइक रेस में हरा सके। मेरे पास दो बाइक है, मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लो और हार मान लो, वरना मेरे रोबोट को बेस्ट मान लो। मेरे रोबोट को तो बाइक चलाना आता ही नहीं। मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। से बाहर हो गया है और अब हमारे स्कूल से बंटी अपना रोबोट लेकर आएंगे। और अब हमारे ही स्कूल से वीर के रोबोट की बारी है। बहुत गर्व का दिन है, सब जजेस ने वीर के रोबोट को फर्स्ट कहा है, इससे बढ़िया रोबोट हो ही नहीं सकता। वीर, वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। मेरा रोबोट सबसे अच्छा है। आई चैलेंज वीर के रोबोट को ओपन चैलेंज, मेरे रोबोट से फाइट करके दिखाए। बंटी, स्टॉप इट, आई से स्टॉप इट। सर, अभी पता चल जाएगा किसका रोबोट इज द बेस्ट। आई चैलेंज वीर्स रोबोट फॉर अ फाइट। प्रिंसिपल सर, परमिट हिम, वीर ने मोबाइक रेस का चैलेंज भी एक्सेप्ट किया था, इसलिए बंटी को भी चैलेंज करने का हक है। ओके, फाइट, लेट्स सी हु इज द बेस्ट। रोबोट बनाया है, एक फाइट भी ठीक से नहीं कर सकता। मेरे बॉस को बेवकूफ कहा, अभी मजा चखाता हूँ। अब ये मेरे कंट्रोल में होगा। ये तो मैड मैक्स का काम लगता है। तुम ठीक कह रही हो, रोबो बॉय को आना होगा। रोबो बॉय, आप सब एक साइड में हो जाइए। ऑयल स्प्रे ऑन।
ऑयल स्प्रे ऑन। पुलिस को इन्फॉर्म करने गया था। पुलिस को यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हो सकता है। आप फोन करके उन्हें बताइए ना। थैंक यू वीर, अब उसकी जरूरत नहीं। रोबो बॉय ने आकर सब ठीक कर दिया। अब मैं जजेस से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार फिर से फर्स्ट प्राइज अनाउंस करें। प्राइज वही है जो पहले था, वीर का रोबोट फर्स्ट है।